कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जल अवशोषण एवं रसारोहण के बारे में, तो जल अवशोषण और जल अवशोषण की क्रियाविधि, जिसमें हम लोगों ने सक्रिय क्रियाविधि और निष्क्रिय क्रियाविधि है, और उसी के साथ में जो जल अवशोषण का पथ था उसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण में हमारे यहाँ पे जो दो नाम आने वाले हैं, मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, तो इन दोनों के नामों के बारे में हम डिस्कशन है वो रसारोहण के साथ में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों थ्योरीज है वो लगभग सेम ही चलने वाली है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रसारोहण। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये रसारोहण। इस रसारोहण में होता क्या है? रसारोहण, रोहण का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ाई करना, और रस का मतलब होता है कि जो मृदा विलयन है, जो तनु विलयन है, जिसके अंदर जल तथा उसमें पाए जाने वाले खनिज तथा कार्बनिक पदार्थ घुलनशील अवस्था में पाए जा रहे हैं, इस चीज को क्या कहा जा रहा है? रस। तो रसारोहण। तो यहाँ पे आप देखिए कि मृदा में अवशोषित जल, मृदा में अवशोषित जल किससे अवशोषित हुआ? यहाँ मूल रोम से। तो मूल रोम से अधिचर्म, अधिचर्म से वेलकुट, वेलकुट से अंतस्त्वचा, देन पेरिसाइकल और फिर जाइलम तक। तो मृदा से अवशोषित जल को पादप के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होता है? नीचे की तरफ। तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप के सारे भागों में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसको रसारोहण कहते हैं। तो जाइलम के अंदर जो पानी चढ़ने की प्रक्रिया, हम सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो जाइलम में जो वाटर है ऊपर सप्लाई हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में तीन बातों का मोस्टली ध्यान रखते हैं। उन तीन बातों में सबसे पहला क्या था कि मृदा से मूल तक, मूल जाइलम तक वाटर का आना, ठीक है। तो किस टाइप से मृदा में जल पाया जाता है और वो किस टाइप से मूल जाइलम तक पहुंचता है, तो उसके लिए हम लोगों ने जो सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट वाला डायग्राम देखा था वही डायग्राम है। तो उसमें क्या है, जो मृदा का मृदा में पाया जाने वाला जल है उसका अवशोषण मूल रोम के द्वारा किया जाता है, और वो विधि रहती है वो कौन सी रहती है? परासरण। परासरण को मैंने एक्सप्लेन किया है, विसरण को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसी के लिए हम लोगों ने दो नाम बात किए थे, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। पथ है जिसके थ्रू वाटर है वो अंदर जाइलम तक पहुंचता है, ठीक है। देन हम लोग बात कर रहे हैं मूल जाइलम से पत्ती जाइलम तक, मतलब ऊपर नीचे मूल जाइलम तक तो वाटर आ गया, अब यहाँ से लेके ऊपर तक, क्यों? लेटरल फ्लो है। लेटरल मतलब हम आंगन में कोई चीज गिराएं तो आंगन में भी कोई चीज है कि वो हम बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी के वो चीज है फैल जाती है। मान लो हमने पानी गिराया और पानी है वो धीरे धीरे क्या होता है, बहता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो लेटरल फ्लो है वो तो सेल बाय सेल हो जाएगा इजीली, इसमें कोई ज्यादा ऐसे नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ बिना किसी फोर्स के ऊपर पानी कैसे पहुंच रहा है या किस तरह का फोर्स उसमें काम कर रहा है, यहाँ पे हम लोग जैसे मोटर काम करती है ना, तो उसी टाइप से जाइलम है वो किस तरह से काम कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन वो आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हम लोग चार मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट रहेगा हमारे मूलदाब, फिर है आसंजन बल, फिर ससंजन बल और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अब ये चारों के चारों बल समझने के लिए आपको ये डायग्राम है वो देखना जरूरी है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये चारों के चारों बल हैं वो समझा दूंगी। एक बार इमेजिनरी सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आपका जो जल था जो यहाँ मूल जाइलम है, मूल जाइलम से ऊपर लीफ जाइलम तक पहुंच चुका, ठीक है। अब लीफ जाइलम तक जाने के बाद में, पत्ती के जाइलम तक जाने के बाद में क्या होता है कि वहां से आप लोगों ने वाष्पोत्सर्जन देखा है, वाष्प का, जो जल वाष्प का प्लांट से निकलना, पत्ती से निकलना आप लोगों ने देखा होगा। तो ये यहाँ पे देखिए आप, पत्ती जाइलम से वातावरण तक, मतलब कि पत्तियों के द्वारा किस टाइप से पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों से जल वाष्प का वातावरण में उत्सर्जन होता है, जो विसरण होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा का पूरा वाष्पोत्सर्जन पर ही है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ वाष्पोत्सर्जन नाम ध्यान में रखना है कि जल वाष्प है वो किस तरह से क्या होती है या बाहर विसरित होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे मृदा विलयन है वो किस तरह का पाया जाता है, वो एक तनु विलयन होता है, एक तनु विलयन है, और इस तनु विलयन को ऊपर तक ले जाने के लिए क्या क्या चीजें काम आती है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं। जाइलम वाहिकाएं और जाइलम वाहिनिकाएं दोनों के दोनों यहाँ पे तनु विलयन को नीचे से लेके ऊपर जाने का काम करने वाली है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एक प्रयोग करके देखा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ रसारोहण है वो जाइलम में ही होता है क्या?
इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक प्रयोग किया गया जिसमें बालसम नामक के एक प्लांट के एक यंग ब्रांच ले लिए, खाना तना लिया, उस तने को कहाँ डाल दिया, एक बीकर में डाल दिया। ये एक बीकर दिखाई दे रहा है, बीकर में जलीय विलयन तो डाला हुआ है जिसकी आवश्यकता प्लांट को होती है। उसके साथ में सैफ्रेनिन या इओसिन का सॉल्यूशन भी डाल दिया। अब सैफ्रेनिन और इओसिन आपके प्रयोगशाला में मिलने वाला एक रेड कलर का सॉल्यूशन होता है जिससे किसी भी प्रकार की हम लोग स्लाइड बनाते हैं। यदि आप लोगों ने 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट किए हैं देन या आपने आपने जो प्रयोगशाला है उसमें सैफ्रेनिन और इओसिन देखा होगा तो वो एक रेड कलर का सॉल्यूशन होता है जिससे किसी भी लीफ का या किसी भी सेल का हम कलर देख सकते हैं। आप लोगों ने स्लाइड देखी होगी तो स्लाइड में यदि सेल आपको माइक्रोस्कोप में देखने के बाद दिखेगी लेकिन आपको जो धब्बे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो भी रेड कलर की दिखाई देती है। वो किसके कारण दिखाई देती है? सैफ्रेनिन और इओसिन के कारण दिखती है। ठीक है, अब ये रेड कलर का सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, रसारोहण वाले मेथड होगा। अब ये रसारोहण वाला मेथड होगा तो मेथड होने के बाद में हम लोग जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के 2 या 3 घंटे के बाद में यहाँ पे देखते हैं तो 2 या 3 घंटे के बाद में क्या होता है कि इसके अंदर पाए जाने वाले जो जाइलम उत्तक होते हैं या दृढ़ उत्तक होते हैं, या हम बात करें कि इसकी जो शिरिका है ये सारी की सारी कैसे दिखाई देने लग जाती है, रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है। फिर हम इसका सेक्शन कटिंग की बात करें तो सेक्शन कटिंग में हम लोग इस टाइप से देखते हैं। आप लोगों ने जाइलम और फ्लोएम के जो आकारिकी पढ़ी है 11th क्लास में तो इस टाइप का जाइलम और फ्लोएम आपने देखा होगा। तो इसमें जाइलम जाइलम का कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। तो इस बात से ये प्रूफ हो जाता है कि रसारोहण केवल जाइलम उत्तकों में ही पाया जाता है क्योंकि रेड कलर है वो जाइलम उत्तकों ने क्या किया, कैच किया। रेड कलर का जो अभिरंजन है वो सिर्फ किस में पाया जा रहा है? जाइलम उत्तकों में पाया जा रहा है। तो इस टाइप से ये बालसम के पौधे पे प्रयोग किया गया। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रसारोहण क्या है, या तो एक नंबर की डेफिनेशन पूछ ली। ठीक है, प्रयोग हुए तो प्रयोग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डेफिनेशन के साथ में भी, बाकी प्रयोग है वो उसके अलग से क्वेश्चन नहीं बनता। उसके अलावा आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं तो वो क्वेश्चन बनते हैं कि जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रसारोहण की, तो रसारोहण में सबसे ज्यादा उपयुक्त सिद्धांत कौन सा है। हम लोग जैसे साइंस के पद बताए थे ना मैंने, साइंस सिर्फ वैज्ञानिक पद थे जो, तो वैज्ञानिक पदों में हम लोगों ने बात किया कि सबसे पहले हम किसी भी चीज का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो हम उसका पहले क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, फिर अवधारणा का निर्माण करेंगे, फिर अवधारणा का परीक्षण, देन हम लोग क्या करेंगे उसका परिणाम जारी करेंगे। उसी टाइप से सारे के सारे एक्सपेरिमेंट, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है वो इसी टाइप से किए जाते हैं। यदि आपको ये अवधारणा ये वाली बात समझ में नहीं आई तो आप लोग जाके मेरा व्हाट इज साइंस करके एक वीडियो है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रियाविधि में देखिए 3 प्रकार की क्रियाविधि है, जैविक बल सिद्धांत या जैव बल सिद्धांत, ठीक है, मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत। अब इन तीनों से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कि इन तीनों सिद्धांत में सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा था, कौन से सिद्धांत को एमा ने घोषित किया, और इस सिद्धांत में हम लोग आगे की तरफ और सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, उन सिद्धांतों को किस वैज्ञानिक ने दिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत था वो था भौतिक बल सिद्धांत। अब ये भौतिक बल सिद्धांत किस टाइप से काम कर रहा है, ये हमारा ये सारे के सारे जो 4 प्रकार के बल मैंने लिख रखे हैं इन्हीं 4 बल पे ये वर्क करने वाला है। सबसे पहले वाष्प फोर्स जिन खिंचाव लिख रखा है, आसंजन बल लिख रखा है, ससंजन बल लिख रखा है, और केशिकीय सतह तनाव लिख रखा है। आपको केशिकीय वर्ड तो समझ में आ गया होगा कि एक बहुत ही थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत ही पतली एक नलिकाकार संरचना होती है। तो हम लोग नॉर्मली देखें कि हम कोई पानी हम लोगों ने ग्लास में भर रखा है उसके अंदर हम उसको डिप करते हैं, एक पतली सी सतह, पतली सी जो ट्यूब है उसको डिप करते हैं तो उसमें पानी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट जो मेथड होगा वो क्या होगा, केशिकीय सतह तनाव। ठीक है, कि केशिकीय का डायमीटर है, उसका व्यास है, वो क्या होता है, कम होता है। कम होने के कारण पानी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। इसमें पानी एकदम वैसे ही चढ़ेगा जैसे कि हम लोग स्ट्रो से पानी या कोल्ड ड्रिंक खींच के पीते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया होगा। देन हम बात करते हैं आसंजन और ससंजन बल की। आसंजन बल कहीं पे भी नाम आए तो उसका मतलब होगा
कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में क्या पाया जा रहा है, आकर्षण पाया जा रहा है। जैसे कि मैंने मृदा और जल के बीच में आपको बताया था, जब हम लोग आद्रता ग्राही जल को पढ़े थे तो उसमें देखिए कि यहाँ पे आसंजन बल में क्या है, जल और जाइलम वाहिकाओं के बीच में पाया जाने वाला आकर्षण बल। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो आकर्षण बल लग रहा है जल और जाइलम वाहिका के बीच में, उसको क्या कह रहे हैं, आसंजन बल कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है ससंजन बल। अब ये जो ससंजन बल है वो जल की बूंदों के पास में, ठीक है, एक वाटर की बूंद ऊपर गई तो उसने दूसरी को अट्रैक्ट कर लिया, फिर तीसरी को अट्रैक्ट कर लिया, तो इस टाइप से क्या है, वाटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए चलता है। तो जल की बूंदों में पाया जाने वाला जो बल है उसको ससंजन बल कहा जाता है। और जो सबसे इजीली समझने वाला, या हम बोले कि निष्क्रिय परिवहन है, ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन रहेगा वो क्या रहेगा, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव रहेगा। जो मैंने अभी स्ट्रो वाला एग्जांपल दिया ना, ये किस टाइप से हम स्ट्रो को शक करते हैं तो पानी है वो कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा कि वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में है कि रंध्रों के द्वारा पानी की कमी होती है और ऋणात्मक तनाव, ऋणात्मक तनाव हो ही रहा है, इसका मान कितना होता है 45 से लेके 207 एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटीएम है वो वातावरणीय दाब को रिप्रेजेंट करने वाली इकाई होती है। तो यहाँ पे देखिए रंध्रों की तरह पानी कैसे मूव होगा, यहां से लेके यहां तक पानी चला गया। ठीक है, यहां से जब वाष्पोत्सर्जन होगा पानी, यहां से पानी की कमी पाई जाएगी, तो यहाँ पे जो पाए जाने वाले स्टोमेटास हैं, जो रंध्र हैं, इन रंध्रों के द्वारा क्या हो जाएगा, जल वाष्प है वो बाहर चली जाएगी। अब जल वाष्प जब बाहर चली जाएगी तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। तो जहां पे कमी होगी वो क्या करेगा, पास वाले उत्तक से पानी को खींचने का काम करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ कमी हुई, इसने यहाँ से पानी खींचना शुरू किया, यहाँ पे फिर कमी होगी, फिर इसने पानी खींच लिया, फिर इसी टाइप से क्या होता है कि ये जो खिंचाव है, ठीक है, एक ने दूसरे से खींचा, फिर तीसरे ने खींचा, चौथे से खींचा, तो इस टाइप से ये जो खिंचाव प्रक्रिया चल रही है, ये खिंचाव प्रक्रिया कहाँ तक चली जाती है, मूल के जाइलम तक पहुंच जाती है। ठीक है, मूल जाइलम खाली होगा तो भाई पेरिसाइकल से खींचेगा, पेरिसाइकल खाली होगा तो वो अंतस्थ त्वचा से, फिर वलकुट, अधिचर्म, मूल रोम, तो इस टाइप से ये जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है ये ऊपर से शुरू होता है लेकिन नीचे तक का पानी है उसका क्या कर लेता है, उसको पुल कर लेता है, उसको खींच लेता है। तो ये होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ये जो चारों के चारों मेथड है, ये चारों के चारों मेथड पढ़े जाते हैं भौतिक बल सिद्धांत में। तो ये चारों के चारों मेथड आपको यहीं पे ध्यान रखने हैं। नॉर्मली इन मेथड से आपको ये चीज भी समझ में आ गई कि जाइलम किस टाइप से वाटर को है ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब कर रहा है, और नॉर्मली आपको ये सिद्धांत भौतिक बल सिद्धांत है वो भी समझ में आ जाना चाहिए। भौतिक बल, भौतिक जो चीजें हैं, मतलब इसमें किसी भी टाइप का कोई लिविंग फोर्स नहीं है, किसी भी टाइप की कोई लिविंग सेल है वो वर्क नहीं कर रही, सारी की सारी निर्जीव चीजें काम कर रही है। इसमें किसी भी टाइप की उपापचयी क्रिया के दौरान बल नहीं लगा जा रहा। तो ये किसमें आएगा, हमारे भौतिक बल सिद्धांत में। जो जैविक कोशिकाएं या जो जैविक क्रियाएं होगी वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इनमें पढ़ेंगे, तो इन दोनों में हम लोग वो बातें पढ़ने वाले हैं। भौतिक बल सिद्धांत है वो हमारा यहीं पे इसी से रिलेटेड रहेगा, तो आप लोग इसको नोट्स में है उतार लीजिए। देन हम लोग बात करते हैं जैविक बल और हमारे मूलदाब सिद्धांत के बारे में। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रसारोहण के बारे में। तो रसारोहण में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से तनु विलयन है वो मूल जाइलम से पत्ती के जाइलम तक जाता है। उसमें हम लोगों ने तीन क्रियाविधि देखी, जैव बल सिद्धांत, मूल दाब और उसके बाद में भौतिक बल सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जैव बल सिद्धांत के बारे में। जैव वर्ड ही जहाँ पे आ जाए तो जैव का मतलब होता है जहाँ पे कोई ना कोई जैविक क्रिया होने वाली है, कोई ना कोई सजीव कोशिका है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। ठीक है, तो सजीव कोशिकाओं पर आधारित जो विधियां रहेगी उसको कहा जाता है जैव बल सिद्धांत। उसमें सबसे पहली थ्योरी है वो दी थी रिले पंप थ्योरी। रिले पंप सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, गोल्डे बस्के के द्वारा दिया गया। आप लोगों ने रिले रेस देखी होगी, रिले रेस होती है जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ी वो दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, एक बंदा एक बंदे को क्या करेगा, कुछ भी चीज है वो पास करेगा, फिर देन दूसरे को पास कर देगा, तो इस तरह से पासिंग वाला जो गेम रहेगा और वो लेके दौड़ रहे हैं, तो ये क्या होती है, रिले रेस होती है। तो इसी टाइप से यहाँ पे पादप है वो किस टाइप से रिले रेस करेंगे, किस टाइप से इसमें रिले पंप थ्योरी पाई जाएगी, वो आप देखिए कि जाइलम रद्युतक व मज्जा किरणों में परासरण दाब पाया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जाइलम में पाए जाने वाले जो मृदुत्की कोशिकाएं हैं, मृदुत्की कोशिकाओं में क्या पाया जा रहा है, परासरणी दाब पाया जा रहा है। तो परासरणी दाब कैसे पाया जाएगा, कि परासरणी दाब की इस साइड से हम लोग क्या बोलते हैं कि पार्श्व गति करता है जल,
तो पार्श्व गति करते हुए ये जाइलम के इस कोशिका में आ गया, इस मृदुत के कोशिका में आ गया। तो यहाँ पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसका जो परासरणी दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाने से ये अपना वापस मेंटेन करने के लिए क्या होगा, अगले वाले में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे तो इसमें बोलते हैं कि जो परासरणी दाब में जो कोशिकाओं में मूवमेंट पाया जाता है वो कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की तरफ पाया जाता है। तो इस टाइप से ये क्या होती है, आगे की तरफ मूव होती रहती है। एक सेल दूसरे को देगी, दूसरी सेल तीसरे को देगी, फिर चौथी को। तो इस टाइप से पानी है वो कहाँ चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये चीज देखिए कि यहाँ है, तो इन्होंने जैसे ये प्रयोग किया, तो गोल्डेवस्की के बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया कि जब रसारोहण को समझने की कोशिश की तो उन्होंने जाइलम मृदुतक और मज्जाकिरणों को हटा ही दिया पूरा, उसके बावजूद भी रसारोहण हो रहा था। तो उन्होंने ये जो सिद्धांत था उसको मान्य नहीं माना, इसको वैलिड नहीं माना, इसको गलत कर दिया। ठीक है, फिर होता है स्पंदन सिद्धांत। स्पंदन सिद्धांत का मतलब होता है कि जो भी कोशिकाओं के बीच में स्पंदन पाए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो एक सर जेसी बोस थे, आप लोगों को मैंने बताया कि सर जेसी बोस है वो भारतीय पादपकारिकी के जनक बोले जाते हैं। तो सर जेसी बोस ने एक प्लांट लिया जिसका नाम है भारत टेलीग्राफ प्लांट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें यही कहा जाता है कि जेसी बोस ने किस पादप के ऊपर प्रयोग किए, कौन सी थ्योरी दी, स्पंदन थ्योरी किसने दी। तो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं आपको। तो भारतीय टेलीग्राफ पादप पे जेसी बोस ने प्रयोग किया। अब इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेते हैं, डेस्मोडियम गारियंस, ये इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा, वो ध्यान में रखना। इन्होंने किसके थ्रू ये स्पंदन सिद्धांत है वो मापा, तो वो मापा विद्युत सुई गैल्वेनोमीटर के द्वारा। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर वलकुट के अंदर इन्होंने कहा कि वलकुट के अंदर वाली कोशिकाओं उनमें स्पंदन पाया जाता है, जिसके कारण पेरिसाइकिल से आगे की तरफ जो पानी है उसको पुश मिलता रहता है, मतलब एक धक्का मिलता रहता है और वो जाइलम के अंदर चला जाता है। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत देने के बाद में और प्रयोग किए गए, और प्लांट्स में प्रयोग किए गए, लेकिन और प्लांट्स में ये वैलिड नहीं था, सिर्फ इसी टेलीग्राफ प्लांट में ही ये वैलिड माना गया स्पंदन सिद्धांत। तो इस टाइप से हमारे दो सिद्धांत कंप्लीट होते हैं, एक तो रिले पंप सिद्धांत और एक स्पंदन सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को साइंटिस्ट का और थ्योरी का नाम ध्यान में मेजरली रखना है, बाकी और चीज से क्वेश्चन है वो कम पूछे जाते हैं। उसके बाद में स्टार्स वगैरह, ये ओरियनो के जीव थे, इन्होंने क्या किया, भाई सारे के सारे जीवित सेल पे काम कर रहे हो, जीवित सेल काम कर रही है कि नहीं कर रही है उसको ऐसे ही क्रेडिट दिया जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, अनोखे जीव थे ये, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक जो प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट की ब्रांच तोड़ी और उस ब्रांच को पिक्रिक एसिड में डाल दिया। किसमें डाल दिया, पिक्रिक एसिड में। अब पिक्रिक एसिड में डालते ही उसकी जीवित कोशिकाएं थी वो क्या हो गई, सारी की सारी डेड हो गई, जीवित कोशिकाएं मर गई। उसके बावजूद भी रसारोहण है वो हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि भाई जैविक कोशिकाएं इसमें किसी भी टाइप का कोई फंक्शन नहीं कर रही। इसीलिए तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने बौद्धिक बल पढ़े हैं, जो हम इसमें बौद्धिक बल सिद्धांत में बात करने वाले हैं, तो ये सर्वमान्य सिद्धांत इसीलिए कहा गया था कि जीवित कोशिकाएं वो बहुत ही रेयर केस में है वो वर्क करती है। ठीक है, ये अलग अलग थ्योरीज थी, इन थ्योरीज के नाम आपको याद रखने बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है, क्वेश्चन एक एक नंबर के काफी बार पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मूलदाब सिद्धांत के बारे में। तो मूलदाब नाम है, मूलदाब ये नाम किसने दिया, स्टीफन हेल्स ने दिया, और जो इस थ्योरी को प्रस्तुत करने वाले थे वो थे प्रिस्टले। तो मूलदाब सिद्धांत देने वाले जो साइंटिस्ट है उसका नाम प्रिस्टले है, और मूलदाब नाम देने वाले हैं वो है हमारे स्टीफन हेल्स। अब यहाँ आप देखिए कि मूलदाब सिद्धांत को यहाँ मापने के लिए, मूलदाब को मापने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैनोमीटर यूज किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 2 atm, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर वातावरणीय दाब यहाँ पे बोला जाता है। ये किसके लिए होता है, 20 मीटर तक के पादप के लिए ही है। इससे यदि ऊपर हम बात करें, इससे ऊपर पाए जाने वाले जैसे हम लोग बात करते हैं जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी पादप, तो वो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, 20 मीटर से भी बहुत ज्यादा लंबे होने के कारण उसके लिए ये सिद्धांत है वो मान्य नहीं होता, मूलदाब सिद्धांत उसके लिए वर्क नहीं करता। तो मैंने लिखा है कि ऊंचे पौधों में मूलदाब नहीं पाया जाता, अनावर्त बीजी के लिए भी ये मान्य नहीं है,
आई एम सो सॉरी कि मेरी हिंदी में राइटिंग बहुत ही ज़्यादा गंदी है, इसलिए मैं हिंदी में वीडियोस कभी बनाना प्रेफर नहीं करती थी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, स्लाइड डाल देती हूँ, उसके साथ में नोट्स भी डाल देती हूँ और साथ में मैं पढ़ के बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कि मूलधाप है वो वर्क कैसे करता है, तो मूलधाप वर्क कैसे करेगा, वाटर है, ठीक है, वाटर एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के थ्रू कहाँ आ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, कहाँ तक पहुँचेगा, जाइलम मृदु तक तक, जाइलम मृदु तक तक आ गया ये। अब जाइलम मृदु तक की जो कोशिका झिल्ली है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, कोमल है, कोशिका है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कोमल फ्लेक्सिबल पाई जा रही है, ठीक है। अब उसमें पानी भरा गया, वो पानी भरने से क्या हो गई, फूल गई, उस वो स्फीत हो गई, ठीक है, स्फीत वर्ड यूज किया जाता है, ये नॉर्मली फूलने वाला प्रोसेस नहीं रहेगा, तो इसमें जाइलम मृदु तक है वो क्या हो जाती है, स्फीत हो जाती है। अब स्फीत होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि वो वापस अपनी स्टेज में आना चाहती है कि भाई मेरे को इतना मोटा क्यों कर दिया, मेरे को वापस स्लिम होना है, तो वो क्या करती है कि इस साइड से तो वाटर आया है, ठीक है, लेट्स सपोज कि इस साइड से वाटर आया है, ये कोशिका थी वो क्या हो गई, फूल गई, अब ये वापस पतले होने की कोशिश करेगी तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर वाली सेल के पास में, तो ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेज में ऊपर वाली क्या हो जाएगी, वापस फूल जाएगी, उसके बाद में ऊपर वाली में, तो इस टाइप से ये क्या है, स्फीति चलती रहती है, और नीचे वाली कोशिका वो पुनः अपनी स्थिति में आने के बाद में क्या हो जाती है, स्लत, स्लत का मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में आते हैं भाई, पहले साइकिल पर बैठा ही उसको वापस मोटा करने के लिए, तो वो वापस उसमें पानी डालेगा, वो वापस फूलेगी, उसको वापस पतला होना है, देन पानी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इस टाइप से क्या है, प्रोसेस चलती रहती है मोटे और पतले होने के, कितना सही है ना, हम लोग मोटे हो जाएं तो 3 दिन महीने जिम करना पड़ता है पतले होने के लिए, ये क्या है, हर सेकंड मोटी और पतली, मोटी और पतली, तो स्फीत होगी, फिर अपना पानी ऊपर भेजेगी, स्लथ होगी, फिर पहले साइकिल से पानी आएगा, तो इस थ्योरी को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अब थ्योरी पढ़िए, आप अपनी बुक की लैंग्वेज पढ़िए, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो फिर से पानी उसमें आ जाता है, तो इस कंडीशन में जो दाब लगता है वो दाब क्या होता है, धनात्मक द्रव स्थितिक दाब, यहाँ पे जो द्रव स्थितिक दाब है वो पॉजिटिव रहेगा, तो मूलधाम में हम पॉजिटिव प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। अब हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, वो हमारे हैं भौतिक बल सिद्धांत, जिसको वाष्पोत्सर्जन और ससंजन तनाववाद भी कहा जाता है। हमने सतह तनाव पढ़ा, हमने ससंजन पढ़ा, आसंजन पढ़ा, उसी के साथ में हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी पढ़ा, तो इन्हीं चारों के बारे में डिस्कशन है, वो कहाँ किया गया है, भौतिक बल सिद्धांत में किया गया है। अब भौतिक बल सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है, हमने बहुत बार इसके बारे में बात कर ली। फिर ये दिया किसने था, डिक्सन और जोली ने, साइंटिस्ट के नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एक नंबर का साइंटिस्ट के नाम से यहाँ तो पूछा जाएगा, ठीक है, जहाँ साइंटिस्ट के नाम आपको बोर्ड लेवल पे नहीं पूछे जाते वहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि याद करना इतना कंपल्सरी नहीं है, आपको नीट के लेवल के लिए प्रिपेयर करना तो आपको याद करना होगा, बाकी इतना कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो डिक्सन और जोली ने 1894 यहाँ पे है 1884, ठीक है, तो 10 साल बाद में ये थ्योरी दी गई। इसमें हम लोगों ने जो बल पढ़े, केशिकीय बल, आसंजन बल, ससंजन बल, वाष्पोत्सर्जन बल, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, केशिकीय जल थिन, ससंजन बल मतलब कि दो सेम चीजों के बीच में, आसंजन दो डिफरेंट चीजों के लिए, वाष्पोत्सर्जन भाई स्ट्रो है ऊपर पानी को खींचने का काम करेगा। और उसके बाद में एक अंतर शोषण जो आपके फिफ्थ चैप्टर में होता है, फिफ्थ चैप्टर में हम लोगों ने नहीं पढ़ने का अंतर शोषण वर्ड है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अंतर शोषण लाइक आप लोगों ने देखा है कि बारिश के टाइम में आपके जो खिड़की और दरवाजे हैं वो पानी को एब्जॉर्व करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, पानी को एब्जॉर्व करके क्या करते हैं, फूल जाते हैं, उनमें एक फुलावट आ जाती है, ऐसे जल्दी से इजीली वो बंद भी नहीं होते, इजीली खुलते भी नहीं है, ठीक है, तो वही क्या होता है, इम्बिप्शन, इम्बिप्शन या अंतर शोषण का मतलब होता है कि निर्जीव पड़ी लकड़ी के अंदर क्या है कि किसी भी प्रकार से कोई ये जो क्या बोलते हैं पानी का अंदर चला जाना वो क्या कहलाता है, अंतर शोषण कहलाता है, ठीक है। ये भौतिक बल हो गए, इनको निर्जीव बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस टाइप से हमारा जो 6th चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेरे को थोड़ा व्यूज देखने से लग रहा है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सच्ची में हिंदी में ही पढ़ना चाहते थे, और मैंने उनके लिए उनके साथ बहुत ही अन्याय किया,
उनको इंग्लिश मीडियम वालों के साथ में पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको भी अब फास्टली क्या करना है, बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे चैप्टर्स आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में साथ साथ में प्रोवाइड करवाती जाऊंगी, तो आप हिंदी में अपने नोट्स है वो मेंटेन कर लीजिए। नोट्स के लिए जितना सफिशियंट मटेरियल होता है वो मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन बोर्ड पे मैं उतना ही लिखती हूँ जितना आपको याद रखना है, लेकिन इनकी लाइन बनाने के लिए आपको, जैसे मैंने यहाँ पे इतनी सी थ्योरी लिख दी, यहाँ पे मैंने सिर्फ वो नाम लिखे हैं जो आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। कि आपको जैलम मृदुतक का नाम याद होना चाहिए, फिर वो पानी भरता है, कोशिका कोमल होती है, स्फीत कैसे हुई, वो स्लत कैसे हुई, ठीक है। तो इसके बीच की जो ग्रामेटिकल हिंदी है जिसमें आपको ये होता है, ये होती है, ये करता है, करती है, ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसके साथ में ही आप सारा का सारा थ्योरी लिख सकते हैं। और यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप लाइन टू लाइन बुक पढ़िए ना, आपको कोई जगह कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमें इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। मैंने व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करवा रखे हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, प्लीज़ वापस इसको एक्सप्लेन कीजिए, या ये वर्ड समझ में नहीं आया। जहाँ कुछ ये है कि सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जो क्रियाविधि में दे रखा है, और उस क्रियाविधि को आप एक बार वापस पढ़िएगा, उसमें आपके मूलताप सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव इसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मैंने उसका वीडियो है वो अलग से नहीं बनाया। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसके नोट्स बना लीजिए, इसके जो एक्स्ट्रा नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगी। यहाँ पे आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए कि प्रॉपर हिंदी में आपको मटेरियल मिल रहा है, प्रॉपर हिंदी में आपको जो बुक की लैंग्वेज है वही यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी, और उसके साथ में मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी, पेपर्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।